सस्त्रीकाल, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज टुडे और मैं आपका साथी इस्लाम खान। साथियों, आपको एक बड़ी अपडेट से रूबरू करा दूं। इस वक्त मौजूद है फरीदाबाद और फरीदाबाद में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत बैठी है। उन शख्सियत के बारे में बता दूं जिनका नाम है सना अंसारी, जो पैदल हज के लिए निकली है। तकरीबन अगर उनका बात करी जाए डिस्टेंस की, तो तकरीबन 7,500 किलोमीटर का सफ़र उन्होंने तय करना है। जैसा कि आपको मालूम है, हिंदुस्तान से पहले गए थे श्याप भाई, और आज अगर बात करी जाए तो महिलाओं में, गर्ल्स में, लेडीज में तो सबसे पहले आती है हमारी सना अंसारी बहन, जो कि आज हमारे फरीदाबाद में पहुंची हैं। तो आइए आज इनसे जानकारी लेते हैं, कुछ बातचीत करते हैं, कुछ सवाल करते हैं कि कैसा इनका सफ़र है और क्या कुछ इन्होंने इस बारे में सोचा कि भाई हज पर जाना है तो पैदल नहीं जाना है, फ्लाइट से क्यों नहीं। आइए कुछ जानकारी लेते हैं बहन से। अस्सलाम वालेकुम बहन जी। बहन जी कहाँ से आ रही हैं, क्या मकसद है, थोड़ा सा अपना पीछे की थोड़ा डिटेल दे हमें। मेरा नाम सना अंसारी है, मुंबई महाराष्ट्र पालघर में रहने वाली है। वहाँ से हमने हमारा सफर जो शुरू किया है, सफर शुरू करके 4 महीने हो गए हैं और तकरीबन आपने साढ़े सत्रह सौ किलोमीटर। अब तक कोई थकावट, कोई रुकावट, कोई किसी चीज़? थकावट तो बहुत होती है, डेली होती है, पर क्या करेंगे, जब नियत की है तो उसको पूरा करना है। नियत करिए तो पूरा करना है। आपको पता है आपने कितनी बड़ी नियत कर ली है? जी नियत तो बहुत बड़ी थी। नियत बहुत बड़ी बात है, सोच से भी कहीं गुना बड़ी है। इंसान कह देता है कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आदमी सोचे 7,500 किलोमीटर, कितने कदम आपको रखने होंगे क्या आपने अंदाजा है? एक एक कदम। सफर मैंने शुरू किया था, इतना आइडिया मुझे भी नहीं था कि इतनी बड़ी ये बात है। जब मैंने प्रैक्टिकली किया तो मुझे एहसास हुआ कि ये वाकई में बहुत मुश्किल काम है, पर मैंने ये नियत की है तो मुझे उसको पूरा करना है। तो इसके लिए आपने नियत करी है, तो इससे पहले, इस नियत से पहले क्या आपने कोई प्रैक्टिस करी है? जी प्रैक्टिस की है मैंने, चलने की प्रैक्टिस करती थी मैं हमारे यहाँ। अच्छा, डेली 15 किलोमीटर मैंने चलने की प्रैक्टिस की। डेली 15? तो आप कितने किलोमीटर जो है, अब आपका डेली का जो रूटीन है, कितने किलोमीटर आप कंप्लीट कर रहे हैं? एक्चुअली हमारा टारगेट है 25 किलोमीटर। स्टार्टिंग में हमने 25 किलोमीटर तय किया था, लेकिन अभी जैसे हम राजस्थान में एंटर हुए थे तो वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो वो हिसाब से हमारा जो रूटीन है वो चेंज हो गया था, तो हमने 15 किलोमीटर सफर कर रहे हैं। 15 किलोमीटर। तो इस ऐसी परिस्थिति में तो आप अकेले हैं या फिर कोई और साथ है आपके? आपके शोहर आपके साथ चल रहे हैं, तो वो भी पैदल जाएंगे? वो मेरे साथ में हज करेंगे, लेकिन उनकी चलने की नियत नहीं। अच्छा, वो आपके साथ हज करेंगे लेकिन वो पैदल नहीं चलेंगे? हाँ, उनकी चलने की नियत नहीं। अच्छा, तो बाकी किसी तरीके की कोई परेशानी या कोई भी अभी तक कोई आपको फेस करनी पड़ी? अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है कोई परेशानी तकलीफ ऐसी कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि जैसे हम सफर करते हैं लोगों को भी पता चलता है, तो लोग हमारे सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे लोगों का भी सपोर्ट है। तो डेली आप तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर चल रहे हैं जी, है जी। और अगर बात करी जाए तो ये सफ़र आपका कितने दिन में जाकर कंप्लीट होगा? ये हमारा 1 साल से ज़्यादा का ही सफ़र है, 14 महीने का सफ़र है। तो तकरीबन जैसा कि भाई बता रहे थे, आपके शौहर बता रहे थे, तकरीबन मार्च में जाकर कंप्लीट होगा। हाँ, तो आपको रेगुलर कंटिन्यू चलना है, चाहे बरसात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, या कोई भी, आपको लगातार चलना है। तो अगर मैप की बात करी जाए तो मैप आपका क्या रहेगा? अगर आज यहाँ आप बॉर्डर पे हैं, सराय पहुँचे, तो इससे आगे कहाँ रहेगा? अभी दिल्ली से हम यहाँ पे, दिल्ली में अभी जाएंगे, फिर दिल्ली से हम पंजाब जाएंगे, वहाँ से वाघा बॉर्डर से होते हैं पाकिस्तान, फिर ईरान, इराक, कुवैत से। लोगों के कुछ सवाल भी आ रहे हैं, सवाल ये है कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये जो पैदल जा रही हैं, क्या फेमस होने के लिए या कोई स्टंट कर रही है, क्या कहेंगे? अब लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, अब लोग तो हमारे नरेंद्र मोदी जी है उनके, ठीक है, वटा ठीक है, लेकिन आपको हमारी नियत पता है, मैंने नियत की हो, और इतना आसान नहीं है फेमस होने के, और भी तरीके हैं, इंसान और भी कोई तरीके से फेमस हो सकता है, यही नहीं है कि अपने आप को इतनी तकलीफ देके। ये उन लोगों के लिए सवाल है जो हमारे लगातार कलम ने वीडियो डाले थे, वो पोस्ट कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि भैया हो सकता है फेमस है, तो वाकई में बहन ने बहुत अच्छी बात की है। फेमस होने के लिए बहुत इजी तरीके हैं, लेकिन ये तरीका एक इतना टफ है, जो इंसान कह सकता, कह रहा, कहना ही आसान है शायद। साथियों, मैं भी चैलेंज कर रहा हूँ,
कहना ही आसान है, 7,500 किलोमीटर एक एक कदम एक एक आपको सफर कैसे तय करना है वो आप सोच भी नहीं सकते। कमेंट कर दिया और हो गया, मैं भी इस बात का विरोध करता हूँ, भाई कमेंट ऐसा मत करो। अगर एक बहन निकली है तो उसका हौसला अफजाई करें, उसको एक उसके लिए दुआएं करें ताकि उस बहन का रास्ता आसान हो। तो बहन कुछ दुआएं की अपील करोगे किसी से, अपने जो भाई हैं अपने? जी, मैं सारे मोमिन भाइयों से और सब हिंदुस्तान की आवाम से यही कहना चाहूँगी कि मेरे लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग दुआ करें ताकि मेरा सफ़र जो है आसान हो जाए और मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँ। वहाँ जाने के बाद मैं हिंदुस्तान के लिए दुआ करूँगी, हमारे हिंदुस्तान में जो तरक्की हो, अमन शांति और जो भाईचारा है वो कायम रहे, इसलिए मैं वहाँ पर जाने के बाद दुआ करूँगी। तो तकरीबन मार्च में आप पहुँच जाएंगे? जी मार्च में पहुँच जाएंगे हम, 2025 की हज करें। तो जैसे सफ़र में चल रहे हैं तो किसी तरीके का फर्स्ट एड लेकर चल रहे हैं? खुदा ना खास्ता अगर कोई बुखार हो जाए या दर्द रहती है हमारे साथ में। तो अब आप जा रहे हैं तो शौहर है आपके साथ है माशाल्लाह से, तो अगर शौहर को थकावट हो जाए तो आप देखेंगे और आपको थकावट हो जाए तो शौहर देखेंगे? शौहर देखेंगे, कहीं ना कहीं देखिए ऊपर वाले ने एक दूसरे के लिए बनाया है, जाहिर सी बात है। चलिए ठीक है मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारी बहन सना अंसारी जी, जो कि तकरीबन महाराष्ट्र से मालघर से तकरीबन सऊदी अरब पालघर से सऊदी अरब का सफ़र तय किया है लगभग 7,500 किलोमीटर का। ये उन लोगों के लिए सवाल है जो कमेंट कर देते हैं और यार कुछ भी नहीं। भाइयों मैं कहना चाहता हूँ, कमेंट करना तो आसान है लेकिन एक सफ़र तय करना ये वाकई बड़ी बात है। लेकिन अगर 7,500 किलोमीटर का सफ़र ये सोच से भी कई गुना बढ़कर है, तो साथियों कमेंट में आपसे कहूँगा कमेंट ज़रूर करें, लेकिन कमेंट आप सपोर्ट में करें हमारी बहन के लिए और दुआएं करें जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। और आप सभी साथियों से अपील करूँगा इस वीडियो को आप ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस बहन का हौसला अफजाई हो और इस बहन के लिए तमाम समाज तमाम वर्ग दुआ करें। चलिए ऐसा